राहुल गांधी आपको किस तरीके से कैंडिडेट दिखते हैं यहाँ के, मतलब प्रधानमंत्री के कैसे कैंडिडेट दिखते हैं बताइए। इंडिया से बाहर जाते हैं तो इंडिया का नाम डुबा के आते हैं, ऐसे नीचे करके आते हैं। वही मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी कहीं जाते हैं तो पूरा डंका बजवा देते हैं कि कहीं भी आ रहे हैं। केजरीवाल जी, दूसरे को अनपढ़ बोलने से पहले खुद के गिरबान में झाके देखना चाहिए ना कि आपके दो दो नेता जेल में क्यों बंद है। तीसरे नेता पर भी तलवार लटक रहा है कि कहा जी आप भी कुछ किए हुए हैं, आप भी जेल में जाइएगा, ऐसे थोड़ी होता है। शिक्षा मंत्री ऐसा कौन होता है जो जिसके अंदर में लीकर मंत्री रहता है बताइए। दारू का डिपार्टमेंट उनके अंदर में दे दिया था महाराज, पढ़ाई से ज्यादा तो उन्होंने दारू को फेमस करवा दिया। 54 साल का युवा कौन होता है पहले ये मुझे आप बताइए। राहुल गांधी ये जो 54 साल के हो गए फिर भी अपने आप को युवा बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा बात कि कभी आप उनका जो वो भाषण देते हैं ना कभी गौर से सुनिएगा कि कितना लॉजिक रहता है उसमें। हमारे मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है ना कोई होगा, ठीक है। ये राहुल गांधी अभी पावर में नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में, जब वो पावर में होगा तो लोकतंत्र ठीक है उसके हिसाब से। ये पूरा गठबंधन तैयार हो रहा है, पटना में जिस तरह से मीटिंग हुआ पूरे राजनीतिक दलों का, 18 राजनीतिक दल थे, उनका कहना है कि मोदी जी को बाहर करना है किसी भी हालत में, भले कि उनकी विचारधारा नहीं मिलते लेकिन इस बात पे विचारधारा मिल रही है कि मोदी जी को 2024 में बाहर करना है। तो आपको क्या लगता है कि आखिर में क्या है कि देश के अंदर में इतना विरोध हो रहा है? अभी मोदी जी बाहर जाते हैं तो विकसित देश और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनके बहुत प्रभावित हो रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, तो क्या होगा इस तरह? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी पार्टी अभी जो पटना में मीटिंग किए हैं कुछ दिन पहले, मैं अभी बिहार से हूँ ठीक है, तो मेरा एक ही कहना है कि अगर मोदी जी को हटाना है तो उनके बदले लाना किसको है पहले तो ये तय होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा बात ये है कि जो विपक्ष है इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं कि आखिर मोदी जी को हटाना क्यों चाहिए। अब आप हमारे बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं या फिर नीतीश कुमार, तो एक तो पलटू चाचा है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार की राजनीति में। आप अगले कुछ सालों में देखेंगे कि उनका पत्ता पूरा तरह से बिहार से साफ हो चुका है, ठीक है, कोई उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और जहाँ तक रहा लालू प्रसाद यादव का, तो वो उनका जो राजनीतिक है वो टोटली कास्ट बेस पे डिपेंड है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो और वो खुद जमानत पे बाहर है तो वो लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं और वो लोग कैसे एकता की बात करते हैं? वो खुद आपको पता होगा कि इमरजेंसी के दौरान वो लोग किस किन के खिलाफ जाके और नेता बने और ये आज अपना ये जो भी चीज़ें अचीव किए, तानाशाही है। अब बताइए जो लोग जिनके खिलाफ जाके आज ये चीज़ अचीव करे आज उन्हीं के साथ बैठ के एक साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो बिहार की जनता और भारत की जनता इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं। वो जो 18 पार्टी के जो लोग भी थे वहाँ पे, आप मुझे एक बात बताएं ऐसा कौन सा पार्टी है जो परिवार से बाहर हट के कुछ सोच सकता है? है कोई ऐसा पार्टी? आप भी अच्छे से जानते हैं और देश की जनता भी अच्छे से जानती है। तो मेरा मानना है कि 2024 में ऐसा कोई टक्कर नहीं है, मोदी जी 350 से ज़्यादा सीट लाएंगे और फिर से बीजेपी की सरकार। इसका दूल्हा बनाने की बात हो रही थी तो लालू प्रसाद जी जो है राहुल गांधी को कह रहे हैं तुम दूल्हा बन जाओ, शादी कर लो, तो शादी इतना इम्पोर्टेंट थी वो इस तंज दे रहे थे, तो क्या लगता है आपको कि राहुल जी को भी शादी भी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से कब तक रहेंगे वो जो है युवा हैं तो, लेकिन शादी भी करना चाहिए था। लेकिन बात हो रही थी कि राजनीतिक दूल्हा कौन बनेगा और कौन जो है, बात मुझे बताइए 54 साल का युवा कौन होता है पहले ये मुझे आप बताइए। राहुल गांधी ये जो 54 साल के हो गए फिर भी अपने आप को युवा बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा बात कि कभी आप उनका जो वो भाषण देते हैं ना कभी गौर से सुनिएगा कि कितना लॉजिक रहता है उसमें। एक लॉजिक का बात अब आप हमको बताएं जो राहुल गांधी कभी भी मंच पे बोल रहे हों, अभी गए अमेरिका में जाके भारत का बेड़ा गर करके आए, आप इंडिया के उस लीडर के बारे में बोल रहे हो जो पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है फिलहाल अभी के टाइम में, आप देख लो पॉपुलैरिटी के मामले में या कोई भी उसके जैसा मतलब अभी फिलहाल कोई नहीं है, फिर भी आप उसको जाके उल्टा सीधा फॉरेन कंट्री में बोल रहे हो, तो ये आपके घर में झगड़ा होगा आप किसको जाओगे बोलने? घर में ही बोलोगे आप, घर की झगड़ा बाहर में लेके जाके पूरे जगह आप शिकायत करवा रहे हो कि ऐसे होता है मेरे इंडिया में ऐसे होता, और क्या हो रहा है भाई इंडिया में बताओ आप? आप भी हो हम भी हैं, पहले से आप देखो कितना मतलब ये खुशहाल माहौल है। तो फिर आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी जो है विदेशी मंच पे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तानाशाही होगी है, उनके शासन काल में वो नहीं समझते हैं उनको राजनीति पड़ी होगी, उन्होंने शासन दिया है, उनके पूर्वजों ने शासन दिया है, उन्हीं के शासन काल में जो है इमरजेंसी भी लगा था, वो कहते हैं कि आज जो है तानाशाही है, मोदी जी तानाशाह बन गए हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदला जा रहा है, क्या आपको लगता है? अरे भैया ये सच्ची बात बोलूँ 100 बात की एक बात है, लोकतंत्र हमेशा ही खतरे में होता है, बस जो पार्टी बोल रही है ना कि लोकतंत्र खतरे में वही बदलती रहती है। ये राहुल गांधी अभी पावर में नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में, जब वो पावर में होगा तो लोकतंत्र ठीक है उसके हिसाब से, सामने ऑपोजिशन वाली बोलेगी भी अब लोकतंत्र खतरे में, यही चलता रहेगा। देखो विकास हो रहा है, हमारा हो रहा है, अभी 10-20 साल में और भी होगा,
जो होगा वो हो रहा है। लेकिन ये सही बात इन्होंने बोली कि भी आप घर के, घर की बात है, घर में रखो, बाहर मत ले जाओ। प्रॉब्लम हो रही है घर में रखो, यहाँ पे जितनी रैली करनी है करो, यहाँ पे जितना आपको बोलना है बोलो, बाहर क्यों बोल रहे हो इतना है। और ये जो पार्टियाँ इकट्ठी हो रही है वो क्या मन से इकट्ठी हो रही है कि सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए हो रही है, ये भी तो जरूरी है। अभी आपको मोदी जी को हराना है तो फिर अगर ऐसे दिखावे के लिए इकट्ठी हो रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी आप 20 साल तक ये कहते रहोगे, 20 साल तक मोदी की सरकार आती रहेगी, ये सही बात है। अभी मोदी आगे योगी क्या लगता है, केजरीवाल जी कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप को जो है IRS हैं, IITN कहते हैं, और एक तरफ जो है अध्यादेश जो आ रहा है दिल्ली के बारे, दिल्ली का पूरा पावर चाहिए उनको, दिल्ली राज्य का पूरा पावर चाहिए, पुलिस चाहिए, प्रशासन चाहिए, कहने केंद्र सरकार हमको काम करने नहीं दे रही है। और उसको सब गए थे कि हम आपको गठबंधन में हम आपको साथ देंगे, लेकिन आप इस अध्यादेश का अपोज करो, बीच में से उठ के आ गए। तो क्या लग रहा है कि क्या केजरीवाल जी का मनसा क्या है? केजरीवाल जी का मनसा है कि मतलब जितने भी गठबंधन पार्टी हैं उस सबको मिल के उनको लोग प्रधानमंत्री बनाए, जबकि वो मुख्यमंत्री के भी कैंडिडेट एक्चुअली में नहीं है केजरीवाल जी। अभी तो न्यू दिल्ली में देखिए ऐसा कंडीशन है कि कहीं भी कुछ मर्डर होता है तो वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं। भाई तो मुख्यमंत्री अब किस बात के हैं, आप मुख्यमंत्री किस चीज़ के हैं जब प्रधानमंत्री, अरे आप इतना ईमानदार नेता हैं तो आपके दो दो नेता जेल में क्या कर रहे हैं हमको ये बताइए? आपके दो दो नेता लीकर बैन में, कौन सा बैन में, अंदर जेल में क्या कर रहे हैं जी? और रही बात लालू यादव की जो गठबंधन कर रहे ये करवा रहे हैं, तो लालू यादव से हम ये पूछना चाहते हैं लालू जी से कि बिहार का अभी भी ऐसा कंडीशन कहाँ है कि वहाँ से लोग मजदूरी करने बाहर जाता है? आप इतना साल राज किए वहाँ पर तो एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं बैठा है बिहार में? बिहार में पहले शुरू से लेके आपने राज किया, पहले फिर नीतीश बाबू ने राज किया, उन्होंने ऐसा कंडीशन लाया है कि अभी तक बिहार का लोग बाहर जाके मरता है। बताइए बाहर में लोग काम करता है, बाहर में मतलब बाहर में लोग जाके वहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है लोग, तो मतलब लालू जी को समझना चाहिए। नीतीश बाबू हैं 2005 से लेकर अभी तक मतलब वहाँ पे रूल में है, एकदम ये किए हुए हैं, मतलब बैठक से थोड़ी होता। अब बैठक में देखिए क्या हुआ कि वहाँ पे गए तो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि कांग्रेस से बोल रही हैं कि आप इस अध्यादेश का मतलब हम जो ये ला रहे हैं कोई भी बिल ला रहे हैं उसके आप अगेंस्ट में है, कांग्रेस को बोली तो हम आपके साथ नहीं हो सकते हैं। तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि आप न्यू दिल्ली में हैं, आप हम जो कोई भी बिल लाते हैं उसमें आप मेरा साथ नहीं देते हैं। तो ये लोग में तो अपने गठबंधन ही, तो लोग कैसे किस मुँह से ये लोग बनेंगे? बताइए कर्नाटका में यहाँ पर हुआ तो पहले एक सप्ताह तो यही मंथन चला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जब कर्नाटका में वो राज्य में डिसाइड नहीं हो रहा है तो पूरे भारत का कैसे डिसाइड होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी आपको किस तरीके से कैंडिडेट दिखते हैं यहाँ के, मतलब प्रधानमंत्री के कैसे कैंडिडेट दिखते हैं बताइए? इंडिया से बाहर जाते हैं तो इंडिया का नाम डुबा के आते हैं, ऐसे नीचे करके आते हैं। वहीं मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी कहीं जाते हैं तो पूरा डंका बजवा देते हैं कि कहीं भी आ रहे हैं। अब देखिए अभी के डेट में क्या हुआ है कि एक द मॉर्निंग कंसल्ट नाम का अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है, वो जब भी निकालती है ना तो मोदी जी सबसे टॉप पर रहते हैं। कितना पता है? 78% मिला हुआ उनको रेटिंग, 78%, जबकि सबसे ताकतवर कौन सा देश है? USA। USA के जो प्रेसिडेंट है उनको मिला कितना? 42%। वो 7 नंबर पे आ रहे हैं, अपना मोदी जी 1 नंबर पे आ रहे हैं। बताइए ऐसा क्यों? ऐसा क्या मोदी जी में कुछ कमी है? बताइए इतना कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी कहीं भी किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ का लोग बोल रहा है कि हाँ मोदी जी है, मोदी आया, मोदी आया। कोई भी अपना देश में आ रहा है तो अपना देश का लोग का नाम लेके जा रहा है कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। किसी भी देश में आप जाइए नाम ले लीजिए एक बार मोदी का, कोई भी किसी के भी नाम पे मुंह पे नाम रहता है, बच्चा के नाम मुंह पे नाम रहता है मोदी मोदी। बताइए ऐसे कैसे थोड़े? अब केजरीवाल का कहने का काम है, वो कौन सा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? IITN ही किए हुए हैं तो क्या है इसे, मतलब दिल्ली में ऐसा कंडीशन क्या है? बताइए अब ये हाई मतलब पूरा पॉश इलाका हो गया, ये इलाका छोड़ के आप दूसरे इलाके में जाइएगा तो आपको चलने का मन नहीं करेगा, रोड पे जाइएगा तो इतना गंदा लगा रहता है रोड पे पूरा ये किए रहते हैं। केजरीवाल जी दूसरे को अनपढ़ बोलने से पहले खुद के गिरबान में झाके देखना चाहिए ना कि आपके दो दो नेता जेल में क्यों बंद है, तीसरे नेता पर भी तलवार लटक रहा है कि कहा जी आप भी कुछ किए हुए हैं, आप भी जेल में जाइएगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। मॉडल कहते हैं कि हमारा दिल्ली का मॉडल वर्ल्ड में जो है फेमस है, तो आपको क्या लगता है शिक्षा का मॉडल में? शिक्षा मंत्री उनके पहले जो अंदर चले गए तो कैसा मॉडल लगता है आपको, क्योंकि वो शिक्षा का मॉडल की बात किया, वही शिक्षा मंत्री जो है उन्हीं के बाद लीकर मंत्रालय मिनिस्ट्री थी जिसको कि आबकारी बोलते हैं, शराब वगैरह का होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये केजरीवाल जी जो इस तरह से अपोज करते हैं वो कहाँ तक सिद्ध हो सकता है? सर पहले मुझे आप एक बात बताइए कि दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है ये सबको पता है, और दिल्ली कब विकसित नहीं था ये हमको बताइए। ये जो बताते हैं कि यह मेरा दिल्ली मॉडल है, यहाँ का स्कूल ऐसा है, हॉस्पिटल ऐसा, तो दिल्ली कब ऐसा नहीं था? हाँ ठीक है थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन हुआ है इसमें, तो वो तो हर जगह हो रहा है। और जाहिर सी बात है जो देश का राजधानी है वहाँ पर तो ऐसे भी हर स्टेट की अपेक्षा में थोड़ा सा तो ज़्यादा वो रहना ही चाहिए।
और इसको ये क्या करे हुए हैं कि अपने जब से ये पहली बात को जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। अन्ना हजारे को कहाँ साइडलाइन करके चले गए आप सबको पता है अभी की डेट में। और जहाँ तक जब वो आए थे जिस उद्देश्य के साथ वो आए थे गवर्नमेंट में, पहले वो क्या बोल रहे थे कि मुझे ना घर चाहिए ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए। कितने करोड़ का बंगले में वो रह रहे हैं आप हमें बताइए सीज पैल। तो कितने तो वैसे इंसान का आप क्या भरोसा कर सकते, वो सिर्फ बस यही कर सकते दूसरे को उल्लू बना सकते हैं कि यहाँ पे ये मॉडल चल रहा है वो मॉडल चल रहा है। बस हमारे मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है ना कोई होगा। ठीक है, कांग्रेस के लिए बोला था उन्होंने कि बहुत भ्रष्टाचार है, 1300 पन्नों का ये अधिकार फाइल दिखाते थे वो, और शीला दीक्षित के अगेंस्ट कहना सब जेल जाएंगी, लेकिन कोई भी जब वो पावर में आए कोई भी कांग्रेसी नेता जो है जेल गया इसकी? नहीं, कोई भी कांग्रेसी नेता तो कुछ लोग जेल गए और अंदर बाहर आ भी गए, लेकिन इनके जो नेता जेल रहे वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? ऐसा कौन सा आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है बताइए? लीकर बैन में बताइए, दारू का इन्होंने स्कूल से ज़्यादा दारू का ठेका खोला है। यहाँ न्यू दिल्ली में हाईवे के बाहर दारू खोल देना है, दारू का ठेका खोल देना है, यहाँ खोल देना है। तो शिक्षा मंत्री ऐसा कौन होता है जो जिसके अंदर में लीकर मंत्री रहता है बताइए? उनके अंदर में लीकर मतलब वो भी दारू का डिपार्टमेंट उनके अंदर में दे दिया था महाराज। पढ़ाई से ज़्यादा तो उन्होंने दारू को फेमस करवा दिया।